रवैयों की खूबसूरती और बदसूरती इंसान के एहसासात के ऊपर असरअंदाज होती है। वो नज़र तो नहीं आते लेकिन महसूस होते हैं। खूबसूरत रवैये की खूबसूरती ये है कि खूबसूरत रवैया ज़िंदगी को खूबसूरत बना देता है और बदसूरत रवैया ज़िंदगी को बदसूरत बना देता है। घर बहुत खूबसूरत है मगर बीवी की ज़ुबान सख्त है, बदतमीज़ है, तो घर की सारी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है, सारा हुसन गायब हो जाता है। घर बड़ा आलीशान है लेकिन बीवी की तबीयत में गुस्सा है, बार बार वो बेइज्जत करती है, टोकती है, बुरा भला कहती है, तो मर्द को सारा घर जहन्नम नज़र आता है। माँ बाप औलाद को सोने चांदी में तोल देते हैं लेकिन बीवी वालिदैन के साथ अगर बदसलूकी करे, उन्हें डांटे, उन्हें टोके, तो पूरा घर तबाह बर्बाद हो जाता है। मगर दूसरी तरफ अगर टूटा फूटा घर हो मगर बीवी अपने खामन की इज्जत करना जानती हो तो घर जन्नत बन जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैं जन्नत और जहन्नम को देख रहा था तो मैंने जहन्नम में एक ऐसी औरत को लटकते हुए देखा जो ज़ुबान के बल लटकी हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने पूछा ये कौन औरत है, तो फरमाया गया ये मुँह पट औरत थी जो शोहर के सामने बदतमीज़ी करती थी, ज़ुबान दराजी करती थी और जवाब देती रहती थी। शोहर कुछ कहता तो ये आगे से कुछ कहती थी, शोहर ने कोई बात कर दी तो इसने आगे से और बात कर दी, यानी चुप नहीं रहती थी। इसीलिए तो कहते हैं कि औरत की ज़ुबान काबू में नहीं रहती, बोलती ही रहती है, कुछ ना कुछ कहती ही रहती है, चुप नहीं होती। शोहर के सामने बदतमीज़ी करने वाली औरत की ज़ुबान उसको जहन्नम तक पहुंचा देती है और औरत को ज़ुबान की वजह से जहन्नम में ज़ुबान के बल लटका दिया जाएगा।